morning, students. From today, we are going to start our new chapter, that is chapter 13, magnetic effect of electric current, right? So here there are two important terms about which we are going to study in this chapter. First of all, the magnetic effect we are going to discuss. Also, we are going to correlate this magnetic effect with the electric current. Electric current chapter 12 mein hum bahut zyada detail mein padh chuke hain. That basically the flow of charges is called as the electric current. Agar kisi wire mein se charges flow ho rahe hain, to main kya kahunga ki us wire mein se current flow ho raha hai, right? सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किस तरीके से फ्लो होता है, उससे रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इस चैप्टर में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. मैग्नेट आपको पता है, मैग्नेट एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, राइट? ऐसे सब्सटेंसेस जिसको कि मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उनको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी के लिए हमको सिर्फ इतना समझना है कि मैग्नेट जस्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक, राइट? तो इस तरीके के जो मेटल्स रहेंगे वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे. सो हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड होती है, कैसे एक इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो पाती है, डेवलप हो पाती है, इस चीज़ हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है, राइट? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता क्या है. एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड समझने के पहले हमको पता है, हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, राइट? तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण है, चार्ज के कारण. मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि विसिनिटी में रखा हुआ है, राइट? एक चार्ज जो कि आइसोलेटेड चार्ज, हालांकि आइसोलेटेड चार्ज मिल पाना पॉसिबल नहीं है, बट हमने मान लिया कि एक आइसोलेटेड चार्ज है, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज जो कि यहाँ पर रखा हुआ है. अब मैंने मान लिया कि इस पॉजिटिव चार्ज के पास ये कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है जो कि प्लेस्ड है. अब क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब दूर की तरफ धक्का देगा, राइट? वहीं अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज मानूँ तो ये नेगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सो सिंपल सी चीज़ है, इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास कोई दूसरे चार्जेस हैं तो वो उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा. लेकिन अगर मैं ये मान लूँ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहीं बहुत दूर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का इस पॉजिटिव चार्ज पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इफेक्ट नहीं करेगा. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हर एक चार्ज की अपनी एक लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिस पर्टिकुलर एरिया तक वो इफेक्टिव होता है या वो अपने आसपास आने वाले किसी दूसरे चार्ज को अफेक्ट कर सकता है, राइट? और उसी पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अगर कोई दूसरा चार्ज होगा तो उसका इस चार्ज पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा. ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जस्ट डिफाइंड एज दैट पर्टिकुलर एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया तक कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अफेक्ट कर सकता है, एंड आउटसाइड दैट चार्ज उस पर्टिकुलर चार्ज का किसी दूसरे चार्ज पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है. ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की है. इसी से मिलती जुलती होती है मैग्नेटिक फील्ड भी. आपको पता है दैट दिस इज अ मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट है, एक रेक्टेंगुलर शेप के मैग्नेट को हम बार मैग्नेट बोलेंगे. आपको पता है मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट?
बेसिकली पोल क्या होता है, पोल इज दैट पार्ट ऑफ द मैग्नेट जहां पे किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है वो मैक्सिमम होगा। सो एक मैग्नेट जो पोल होता है, पोल वो पार्ट होता है जहां पे किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म जो है वो सबसे ज्यादा होगा। बेसिकली अगर मैं इस मैग्नेट को एक आयरन नेल के बॉक्स में डाल दूं, एक आयरन एक बॉक्स जिसमें बहुत सारी कील हैं, आयरन नेल्स हैं, जब आप इस मैग्नेट को बाहर निकालोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि सबसे ज्यादा आयरन नेल्स जो हैं वो इस पार्ट पर अट्रैक्ट होंगी, इन दोनों पार्ट्स पे, राइट। सो एक पोल मैग्नेट का वो पार्ट होता है जहां पे किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म जो है वो मैक्सिमम होगा। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द पोल। दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट का वो पोल जो कि जोग्राफिक साउथ है, आपको पता है हमारी अर्थ स्फेरिकल है और अर्थ के भी दो पोल्स हैं, नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमारी अर्थ इक्वेटर से थोड़ी सी टिल्टेड है। सो ये जोग्राफिक नॉर्थ, ये जोग्राफिक साउथ। मैग्नेट का वो पार्ट जो कि जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो वो साउथ पोल होता है, और मैग्नेट का वो पार्ट जो कि जोग्राफिक साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो वो नॉर्थ पोल होता है, राइट। सो एज यू नो दैट द अपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट गेट अट्रैक्ट। सो आपको ये चीज पता है कि मैग्नेट के जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो मतलब मैं अगर इस मैग्नेट के पास में एक दूसरा मैग्नेट लेकर आऊं, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, तो ये मैग्नेट इस मैग्नेट को, मतलब ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जबकि अगर इसका नॉर्थ पोल इस दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास अगर मैं लेकर आऊंगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन ये चीज तब फॉलो होगी जब ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के पास पास में रखे हों। व्हाट इफ अगर मैं इन दोनों मैग्नेट्स को एक दूसरे से दूर दूर कर दूं, राइट, अगर मैं इन दोनों मैग्नेट्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये मैग्नेट इस मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में जब ये मैग्नेट, मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे हर एक चार्ज की एक पर्टिकुलर फील्ड थी, वैसे ही हर एक मैग्नेट की भी एक पर्टिकुलर फील्ड होती है, जिस पर्टिकुलर फील्ड तक कोई मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, और उस फील्ड के बाहर इस मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, राइट। यही होती है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, वो पर्टिकुलर एरिया जिस पर्टिकुलर एरिया तक कोई 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 मैग्नेट किसी भी दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट या रिपेल कर पाए, उस पर्टिकुलर फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट। नाउ एक चीज और हमको पढ़नी है यहाँ पे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन इन द चैप्टर। उसके पहले हम समझते हैं हमारे चैप्टर का जो नाम है, जो टाइटल है, उससे क्या कंक्लूजन हम लगा पा रहे हैं, दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिज्म पे कोई ना कोई इफेक्ट होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिज्म में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेगी। इस चीज से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे, और ओरस्टेड ओरस्टेड वाज अ साइंटिस्ट ओरस्टेड वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया था, और उन्होंने ही हमको ये चीज बताई थी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है। बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वायर लिया, ये हमने मान लिया एक कॉपर का वायर, इस कॉपर के वायर को उन्होंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया,
राइट, दिस इज अ बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का। इस कॉपर वायर को उन्होंने एक की हेल्प से, ये क्लोज्ड की है, क्लोज्ड की है इसका मतलब करंट फ्लो होगा, एक की हेल्प से उन्होंने इस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, राइट। अब चूंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है तो इस वायर में से करंट फ्लो होगा, और आपको पता है जो करंट है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, राइट। सो द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू दिस वायर इन द डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब उन्होंने क्या किया, जब इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर के पास उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, राइट। मैग्नेटिक कंपास आपको पता है क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास जो है वो हमको डायरेक्शन के बारे में बताता है। आपने देखा होगा इस तरीके का मैग्नेटिक कंपास होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जो मैग्नेटिक कंपास का पॉइंटर होता है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करता है, राइट। सो मैग्नेटिक कंपास एक तरीके का डिवाइस जो कि हमको ये बताएगा कि ज्योग्राफिक नॉर्थ किस तरफ है और ज्योग्राफिक साउथ किस तरफ है। अगर हमको एक भी डायरेक्शन पता लग जाए तो हम उससे ऑटोमेटिकली बाकी के डायरेक्शंस का अंदाजा लगा सकते हैं। सो मैग्नेटिक कंपास आपने देखा भी होगा, मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन देता है। अगर हम इस मैग्नेटिक कंपास के आसपास में कोई मैग्नेट लाते हैं तो ये मैग्नेटिक कंपास की ये जो निडल है वो हमको डिफ्लेक्शन देती है, मतलब वो मूव करती है अपनी जगह से। और अगर ये मूव कर रही है इसका मतलब क्या कि आसपास में कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। सो उन्होंने क्या किया, इस वायर के पास में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक कंपास रख दिया। अब जब उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को इस वायर के पास में रखा तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस मैग्नेटिक कंपास में ये जो नीडल है वो उनको डिफ्लेक्शन दे रही थी, मतलब वो जो पॉइंटर था वो मूव कर रहा था। इसका मतलब यहाँ से उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि इसके आसपास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तभी ये पॉइंटर जो है वो मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे ऐसी कोई फील्ड नहीं होती तो ये पॉइंटर मूव नहीं करता, राइट। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, अब इस बैटरी को यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया। अब जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और जैसे ही उन्होंने ये चीज की, जैसे ही उन्होंने टर्मिनल चेंज किए बैटरी के, करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो ये जो डिफ्लेक्शन उनको जिस साइड मिल रहा था अब उसके अपोजिट साइड में उनको डिफ्लेक्शन मिलने लग गया, लाइक दिस। तो यहां से उनका ये जो अंदाजा था वो बिल्कुल सही हो गया कि आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किसके कारण हो रही है, करंट के कारण। तो उन्होंने क्या बोला कि जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, राइट। हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करवाएंगे तो इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और इस चैप्टर में हमको यही चीज डिस्कस करनी है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से अफेक्ट करता है, कब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, कब कम होगी, कब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। बिफोर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द टू टर्म्स, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। दो टर्म्स के बारे में हमको पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, ये दोनों टर्म्स को समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक मैग्नेट जिस पर्टिकुलर एरिया तक किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करने की कैपेबिलिटी रखता है उस पर्टिकुलर एरिया तो को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, और उस पर्टिकुलर एरिया के बाहर एक मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, राइट। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है वो समझते हैं।
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है वो समझते हैं। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स समझने से पहले हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिवाइज कर लें सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, और एक पॉजिटिव चार्ज जिसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, राइट। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दिया है। अब मैं इस पॉजिटिव चार्ज पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने जस्ट यहाँ पे एज इट इज रख दिया है। अब मैं बाहर से इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स अप्लाई होगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस फोर्स के कारण मूव करेगा, राइट। और जब वो मूव करेगा तो एक पर्टिकुलर पाथ पे वो मूव करता है, और जिस पर्टिकुलर पाथ पे वो मूव करके अपनी ट्रेजेक्टरी, अगर वो जिस पाथ पे मूव कर रहा है उस पाथ पे अगर मैं ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करूँ, तो वो जो ट्रेजेक्टरी होगी दैट ट्रेजेक्टरी टेल्स मी अबाउट द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और वैसे ही जैसे ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होती हैं। कि अगर आप किसी पोल को, वेदर इट बी द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल, अगर आप किसी पोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो ये जो नॉर्थ पोल है, बेसिकली हम नॉर्थ पोल को ही रखते हैं, नॉर्थ पोल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो ये नॉर्थ पोल फ्रीली जिस पाथ पे मूव करेगा उस पाथ की ट्रेजेक्टरी को अगर हम ड्रॉ करें, तो वो जो ट्रेजेक्टरी होगी दैट ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने एक मैग्नेट कंसिडर किया, यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट रखा है, ये नॉर्थ पोल हो गया है, ये साउथ पोल हो गया है, राइट। अगर मैं इस मैग्नेट के पास में एक कंपास को रखता हूँ, तो वो कंपास, जब मैंने कंपास को उठा के यहाँ पे रखा, तो वो मुझे कंपास जो है वो इस डायरेक्शन में पॉइंटर देगा। अब मैं धीरे धीरे कंपास को मूव कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कंपास को मूव करते जाऊंगा तो वो मुझे इस तरीके से कुछ पॉइंट्स देता है, राइट। सिमिलरली ऐसे अलग अलग पॉइंट पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, और जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो एक लाइन बन जाएगी। बेसिकली ये जो लाइन बनी है, दिस लाइन इज नथिंग बट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो समझते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लुक क्वाइट लाइक दिस। इस मैग्नेटिक फोल्ड की, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल तक जाएंगी। तो जो एरो है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, इट इज हेडिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड गोइंग टूवर्ड द साउथ। सिमिलरली यहाँ पे भी नॉर्थ से साउथ जा रहा है, इधर जो एरो है वो इस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये भी जो एरोज हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे। तो हमेशा आपको नॉर्थ से बाहर निकलता हुआ एरो बनाना है और साउथ की तरफ जाता हुआ एरो बनाना है, राइट। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो डायग्राम है वो गलत हो जाएगा। दिस इज द स्मॉल लिटिल बिट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट ऑलवेज द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती हैं, कभी भी साउथ से नॉर्थ नहीं जाएंगी। दूसरी चीज, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो एक कंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको ये लाइन बीच में से कहीं ब्रेक हो गई, राइट। ये जो लाइन्स होती हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं। अच्छा, एक चीज और, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही है, राइट। सो जब हम मैग्नेट, हालांकि मैग्नेट के बाहर की ही हम जनरली बात करते हैं, तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। दूसरी चीज, कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस कर्व होने का मतलब यह कहीं पे भी हमको ब्रेक पॉइंट नहीं मिलेगा,
ऐसा नहीं होगा कि बीच में से यहाँ से यहाँ तक आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिली, राइट। सो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं। द थर्ड पॉइंट इज जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो हमको कहाँ पे मिलती है, पोल्स के आसपास। सो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो मैक्सिमम किस पॉइंट पे होंगी, पोल्स के आसपास होंगी। आप देख सकते हो फिगर में, बुक में भी, जो डायग्राम है उसमें भी अगर आप चेक करें, सो सबसे ज्यादा डेंस यहाँ पे बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, हमने तो यहाँ पे बहुत कम बनाई है। देर आर सो मेनी लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन एनी पर्टिकुलर एरिया। उसमें आप ये ऑब्जर्व करोगे कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो कहाँ पे होंगी, पोल्स के पास। इसके पीछे का रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, आप ऐसा समझ सकते हो कि मैग्नेट का सबसे ज्यादा पावर जो है वो कहाँ पे होता है, पोल्स के आसपास। सो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, पोल्स के पास। इसीलिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, पोल्स के पास। द फोर्थ पॉइंट वुड बी टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, राइट। ये हमेशा कंटिन्यूअस कर्व्स होंगी, और दो यहाँ पे भी आपको चाहे वो कितनी भी डेंस दिख रही हो, यहाँ पे हालांकि फिगर प्रॉपरली नहीं बन पाया है, बुक में अगर देखो तो कभी भी दो लाइन्स ऑफ फोर्स आपको एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हुई नहीं दिखेंगी। वो इंडिविजुअली सारी लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो अपने अपने पाथ को फॉलो करती है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। दिस इज ऑल्सो क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। So that's all for today's class, students. The further topics we are going to discuss in our next class. Thank you.